किसी के पास बहुत धन है पर कुछ पेटी में जगह माँ है, कुछ जेब में है, पर क्या ये सारा अपना है क्या? अपना तो उतना ही है जो अच्छे या किसी के सहारे या अपना सहारा करता है, या जो भगवान का कार्य में सफल हो गया या जीवन के अवश्य निर्वाह में लग गया। जो धन जुर्माने में डॉक्टर और वकील की फीस के रूप में देना पड़े वह तो व्यर्थ ही गया ना। भोजन भी जो खाया उसमें उतना ही सार्थक है जो हजम हो गया है। जिसे गोलियों का कर निकालना पड़े वह तो व्यर्थ ही गया ना। जीवन भी चाहे कितने भी आयु लंबा हो पर सार्थक उतना ही है जितना पुण्य कर्म और परोपकार की सफल हुआ। अभी मन पर संस्कारों का प्रभाव कैसे हमें फंसा देते हैं एक छोटी सी कहानी के रूप में सुनेंगे। एक सेठ जी की कहानी है, इसमें एक छोटी सी घटना है। सेठ जी पुण्य कर्म करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है सेठ जी, उसके धन में कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे काम नहीं, पूरा का पूरा अच्छे काम में लगाने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। एक सेठ जी की कहानी है। एक बार उनकी दुकान पर एक भिखारी की भीख मांगने आया। उन्होंने कुछ पैसा भीख में भी दिया। फिर पूछा, सारा दिन में तुम कितने पैसे पा लेते हो? ऐसा पूछ के वो भी सोचने लग गया, अगर ये कुछ इतना कुछ कमा रहा है तो हम भी कुछ देने के लिए रेडी हैं, वो पुण्य काम भी करने के लिए रेडी होगा। वो सोचने लगा, ऐसे पूछकर अपने आप सोचने लगा, फिर उस भिखारी के पैसे देकर कुछ काम कराने के लिए भी सोचा। उसने कहा, यही कोई 25 और 30 का कमा देते हैं। भिखारी ने कहा, ऐसे ही हमारा एक दिन के लिए 25 या 30 का रुपये का कमाई हो जाता है। सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन 50 की व्यवस्था करा दूंगा, या यदि तुम मेरे दुकान के सामने बैठकर सुबह से शाम तक भगवान का नाम लो तो। भिखारी भी कुछ देर सोचने लगा, फिर सोचा करने के लिए भी आगे बढ़ा। भिखारी ने कहा, ठीक है, ले लिया करूँगा। अगले दिन वह सुबह दुकान पर पहुँच गया और भगवान का नाम उच्चारण करने लगा। 4 दिन तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसकी मन में क्या आया पता नहीं चला, अगले दिन से वो दुकान नहीं आया, वो आना बंद हो गया। ऐसे स्मरण कर करके उसका मन का पुण्य की काम की ओर जाने लगा। इस कारण के वजह से उसके मन में पुण्य का जमा होना शुरू हो गया। सेठ जी ने खोज खबर की पर पता नहीं चला। एक दिन बाजार में उस भिखारी की पर सेठ जी की नज़र पड़ी तो उससे न आने का कारण पूछना शुरू किया। उसने कहा, मैं भगवान की स्थान पर देवी का नाम स्मरण करूँगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है। फिर वो भिखारी ने सोचा, क्या है, हम इनसे और भी ज़्यादा पैसा मांग भी सकते हैं, वो भी दे भी सकता है। तो उसने थोड़ा और भी मांगने लगा। फिर सेठ जी ने सोचा कुछ देर, फिर प्रतिदिन 50 की जगह 100 देने के लिए रेडी हो गया है। सेठ जी ने सोचा होगा थोड़ा ज़्यादा देने में उसका मन बदल जाएगा। ऐसा सोच के उसको ज़्यादा पैसा देने के लिए भी वायदा भी किया और उसका देना शुरू भी कर दिया। 50 की जगह 100 देना का वायदा कर लिया। इसके बाद 4 दिन लगातार वो भिखारी ने आना और बैठ के देवी का स्मरण करना शुरू किया। पता नहीं है वापस वो लापता हो गया। सेठ जी में और भी सोचने लग गया। सेठ जी सोच में पड़ गए, फिर क्या कारण हो सकता है ऐसा सोचने लग गया। जो भी आएगा उससे पूछने लग गया, कुछ और कहानी पूछ के उसका कारण ढूंढने लग गया। मुनिम जी से पूछा तो उन्होंने कहा, उसे पैसे की अदायगी तो बराबर की जा रही है। सेठ जी ने सोचने लगा, पैसे भी सही तरफ से दी जा रहे हैं, हमारे तरफ से कोई कमी भी नहीं है, फिर भी वो क्यों नहीं आया। फिर उसने सप्ताह के बाद दुकान के एक सेवक
उसी सेठ जी के सामने ले आया। भिखारी ने कहा, सेठ जी, भगवान या देवी का स्मरण करते मुझे अजीब घुटना महसूस होती है। भिखारी के मन में अच्छे स्मरण कर करके कुछ बुरे वचन भी मुंह में नहीं आ रहा होगा, इसलिए ऐसा भी सोच रहा होगा। मैं अन्य कोई काम कर सकता हूँ, भिखारी ने कहा, मैं अन्य कोई काम कर सकता हूँ पर ये नहीं कर सकता, मुझसे बैठे नहीं रह सकता। ऐसा सेठ जी से कुछ ना कुछ कारण बोलते रहा। आप मुझे प्रतिदिन के 500 भी दे दें तो फिर भी ये कार्य मैं नहीं कर सकता। फिर एक दिन सेठ जी का एक महात्मा का मिलने के लिए गया और उस महात्मा से फ्रेंडशिप भी जोड़ने शुरू किया। महात्मा के संपर्क में आया, फिर एक कुछ दिन के बाद उसके पास बैठने का चांस भी मिला और उसके साथ साथ ज़्यादा कुछ बात करने के लिए भी चांस मिला। फिर सेठ जी ने सोचा, उनके पास ये बात लेके क्यों नहीं गए। फिर उसने बात सेठ जी ने एक महात्मा के इसका कारण जानना चाहा, महात्मा के पास पूछा, भाई साहब ऐसा है, ऐसा हमने किया है, वो भिखारी ने अभी आना बंद कर दिया है। फिर महात्मा ने उनके पास बोला, जो कुछ संस्कारों आदतों यादों के विपरीत होता है उसे मन स्वीकार नहीं कर पाता है। अभी सेठ जी को एक चीज समझ में आया, पैसा ज़्यादा या कम देने में उस भिखारी का मन बदल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है पूरे के पूरे मन अपनी अंतरात्मा से काम करने लगा जाता है तब उसका स्वभाव बदलता है। यहाँ पे उसको एक चीज़ समझ में आया, भिखारी हर रोज जो करता है, हर दिन इतने 100 लोगों के सामने जाके भीख मांगता है, ऐसा भीख मांग के उसका पैसा लेने में उसको अच्छा लगता है। ये की जगह बैठ के ये की नाम स्मरण करके उसको पैसा ये की बार लेने में उसको अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात है उसके मन के अंदर पूरा पूरा घुसते आया, इसलिए उस भिखारी के मन में भगवान का नाम या तो देवी का स्मरण करने में कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर उसको लग रहा था ये कुछ अजीब सा फीलिंग है, तो इसलिए वो इस काम के लिए नहीं आ रहा था। अभी समझ में आ रहा होगा आपको भी, सेठ जी को भी समझ में आया। फिर उसने सोचने लगा, इस वजह से वो भिखारी यहाँ आपके पास आके स्मरण करने के लिए नहीं आ रहा। शरीर में यदि कोई दर्द या बीमारी पैदा हो जाता तो अधिकतर उसकी पहचान ये होती है कि आत्मा के ध्यान बार बार ना चाहे भी उस अंग की ओर जाता है। जैसे मान लो घुटने में दर्द है तो घुटने पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, दांत में दर्द है तो सारा दांत में के ऊपर जाते हैं ना। जैसे मान लो किसी का पाँव सही नहीं है और उसका ध्यान उसी जगह पे जाएगा, और जहाँ पे कुछ काला है तो वहीं पे हमारा ध्यान जाएगा, तो सारा ध्यान वहीं पे जाएगा जहाँ पे घुटने हैं, दर्द है तो उस जगह पे हमारा ध्यान जाएगा। कहेगा, पता नहीं कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्या हुआ है। बीमारी चाहे कुछ दिन का हो या तो दीर्घकाल का हो, आत्मा का ध्यान खींचती अवश्य है, विषय पर एकाग्र होने में बाधा डालती है। समझ में आया अभी भिखारी क्यों नहीं आया। इसी प्रकार मानसिक या आत्मिक कमजोरियों की निशानी भी रहे यही है कि आत्मा अपने विषय से लक्ष्य से किसकर कमजोरी वाली बात में पास चुपके से पहुंच जाती है। समझ में आया क्या है, कमजोरी वाली बात के पास चुपके से पहुंच जाती है। बैठेंगे कुछ काम के लिए पर करेंगे कुछ और, मन कुछ और दिशा में उड़ जाता है, उस तरफ जिसके प्रति आकर्षण या लगाव के भाव होंगे, फिर चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति हो। हमारे बड़ों ने कहा है, अब तो मन की उड़ान बार बार, क्या बोला है, अब तो मन की उड़ान बार बार भगवान की तरफ होनी चाहिए, परंतु मन रूपी पानी उन्हीं रास्ता पर बह जाता है जहां वे आज तक बहता आया है, वस्तु या वैभव या व्यक्ति की तरफ। मन का गुप्त रूप से जाना मन की कमजोरी है।
भटकते मन को स्वकल्याण और विश्व कल्याण की दिशा में जाना जरूरी है। यही हमारे बड़ों ने कहा है ना हमारे पास, तो यही हमने सीख के आया। जैसे व्यर्थ बहते पानी को बांध द्वारा सही दिशा दी जाती है, इसी प्रकार कमजोरी की वश भटकते मन के भी श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा स्वकल्याण और विश्व कल्याण की दिशा में दी जाती है। कमजोरी की वश भटकती मन को भी श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा स्वकल्याण और विश्व कल्याण की दिशा दी जाती है। जैसे जलहीन सुखी नहीं में भटकने से प्यास नहीं बुझती है, सुखी नहीं में भटकने से प्यास नहीं बुझती है, इसी प्रकार नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों से सूख चुके इस विश्व की बातों या वस्तुओं या व्यक्तियों पर मन की मंडराने से मन की शांति नहीं मिल सकती है। जैसे प्यास बुझने के लिए हमको पानी जरूरत है, जैसे हमारे मन के लिए शांति और हमारा वैल्यूज जरूरी है। मन के सच्चे मित्र, दिल को सुकून देने वाला दिलाराम तो एक ही भगवान है ना। तो दिशा सुधरे दिशा। क्या सोच रहे हैं अब क्या होगा? आपका बात बराबर है, मैं वही बोलने वाला हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।